सेठ जी जोरा आपको ना नौकर। अरे यो भाग्यवान, अब तो खुश हो जा। देख मुनीम जी तेल आ नौ नौकर ले आए। आजा बेटा आजा। सेठ जी जो पूछने हो सो पूछ लो, वो कान धमझा लो जाए। काय बेटा का नाम है तुम? घड़कोला। काय काम कर ले? ना ना चोरी कर ले। मुनीम जी जो की चोर चक्का का तुम पकड़ ले आए थे। सेठ जी बात ना है, नेक्स्ट भेजा कराओ। आप रोको हम पूछत। काय बेटा घड़कोला चोरी कर ले? ना ना काम कर लिए। हाँ हाँ जी अब आप पूछ लो बेटा। ढलकूला चोरी कर लिए? ना ना काम कर लिए। हाँ हाँ लेकिन पहले काम तो बताओ। पहले आप भीतर तो आओ। और सुनो कोनो चीज की जरूरत होए तो दुकान पे आ जाइयो। हैं आओ सेठ जी हम भी भीतर जाएं। काय तुम क्या करो भीतर? सेठानी को काम करे। अरे बेटा आज से सेठानी को काम तो ढलकूला करे और तुम हाँ काम करियो हैं? और एक बात और, जैसी फुर्सत मिले तो ढलकूला है दुकान दिखा दियो हैं? चलो दुकाने आओ। जय पत्नी देवी, बोलो जय पत्नी देवी। अरे ढकोला सुन, का तेरी शादी हो गई? जो शादी का होत? अरे शादी का मतलब ब्याह। तेरा ब्याह होगा? होगा। अब हम एक बात पूछें। हाँ हाँ पूछ। आपको ब्याह होगा? होगा। कौन से भाव? तुम्हारे सेठ जी से भाव और किससे भाव? का आपने घर में ब्याह कर लो। चल हट बुद्धू कौ को। अरे नमक तो खत्म हो गया। ए ढकोला जरा जाइए सेठ जी से कहिए नॉन खत्म होगा, जाकर लिया नॉन दुआ दे। हाँ। कितने हुए मुनीम जी? 275 रुपया। अरे ज्यादा बता रहे हो आप। अरे बच्चा पहले ही हमने 25% कम कर दे बाप। चलो 250 ले। सेठ जी सेठ जी का है? चेटानी ने कही घर में नॉन खत्म होगा। नॉन चुप बेटा, ऐसी बातें धीरे से कही आप हैं, समझे तो नहीं है? पहले 10 को नोट, 5 को नॉन आए और 5 रुपया सेठानी को वापस कर दियो हैं, समझ गयो? देव सेठ जी जी बैंक में जमा करा देते। हाँ। हरिराम की उधारी अबे आई नहीं। अरे बॉस अब तो ठीक है मुनीम जी, जो कलम कितने गई, जो चोनी जो गड़बड़ हो रही है कहाँ है? जा खाते में है, ढूंढ ले सेठ जी। हाँ, काड़ो काड़ो। हवाई जहाज खड़ गो। अबे का गाड़ी पंचर हो गई। अबे ढकोला कछु मुंह से बोल। सेठी अपने गोदाम में आग ही लग गई। सेठी का रे ढकोला, जब कैसी मनुष्य खबर सुनाई थी? अगर सेठ जी मर गए तो हमारी सेठानी को कावजे तो जामे हमारी का गलती? का गलती? चल पानी लेके आप। अबे गधे, गोदाम में आग लग गई और तैं कर रहा हूँ।
बेटा ऐसी बातें रोके तो दुख में कही जा, समझ गया। अब ध्यान रखिए। मुनीम जी गोदाम में आग लग गई, हम तो बर्बाद हो गए। सेठ जी अब निराश हो गए, सका फायदा, जो होने तो सो होगा। हो मुनीम अब बर्बाद हमें होने तो सो हम हो गए। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे, बर्बाद हुए आपके दुश्मन। दुश्मन? अरे सबसे बड़ा दुश्मन तो ते हैं, ते कितने बर्बाद भाओ। अरे सेठ जी अगर हम आपके दुश्मन होते तो हम गोदाम का बीमा नहीं करवाते। का बीमा? अरे मुनीम जी जाको मतलब तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए से बच गए। सेठ जी जई बात पे हमें पिछली तनख्वाह दे दो। तनख्वाह मांगी तो नौकरी से निकाल दें, चलो अपना काम करो। सेठ जी काय एक बात कहे, कहो आप बुराई मान जाओ। अरे हाँ हम कौन बुरा मान है, कहो। हाँ सेठ जी रंधो आप बुराई मान जाओ। अब तुम नहीं बचे हो तो हम तुम्हारा गर्व दबा दें, जल्दी देखो क्या बात है। ठीक है सेठ जी अब आप जिद कर रहे हैं तो हम बताए दे। सेठ जी आजकल धड़कूला सेठानी से कुछ सबके वादे करत। मुनीम ते होश में तो है, हैं? सेठ जी हम तो जैसे पहले कह रहे थे कि आप बुराई मान लो, जैसे तो हम बता नहीं रहे थे। ठीक है हम आज ही जाके सेठानी से पूछत। सेठ जी हमारा नाम नहीं लियो। काहे समझू करे। अरे मुनीम जी हमें तो कछु दार में कालो नजर आ रहा, मैं तो पूरी दार सारी नजर आ रही है। का कछु नहीं के मोड़ा भाव। ये तो जामे रोने की बात है क्या हंसने की? अरे बेटा जो तो बहुत खुशी की बात है उसे रो लो। चुप। देखो मुनीम जी अब हम बाप बन गए। हाँ सेठ जी हम बाप बन गए। अरे मुनीम जी तुम नहीं हम बाप बन गए। सेठ जी भाई तो हम कह रहे हैं हम बाप बन गए। का? अरे सेठ जी वही मतलब आप बाप बन गए। अब एक काम करो मुनीम जी, पूरे शहर में मिठाई बंटवा दो। पूरे शहर में? क्या कह रहे सेठ जी? अरे कहवे को मतलब जो है कि कम से कम मोहल्ला में तो बंटवाई दो। मोहल्ला में? का कह रहे हैं आप? हाँ जो तो बात सही है, तो एक काम करो तुम तो 100 ग्राम लड्डू ले आओ, सो तुम और हम मिलके दो ही खा ले। सेठ जी हमारे लाने। अरे ढड़कोला तो भी खुआए लड़ूआ, लेकिन बेटा ढड़कोला ते समझ के काय नहीं बोलो है? ऐसी बात है हंस के कही यार, अब ध्यान रखियो। सेठ जी का हंस के और खुश हो के। अरे वाह जाओ। लो सेठ जी मुंह मीठो करो। अरे मुनीम हैं तू से कही थी 100 ग्राम लड़ुआ ले आइए, उतने पूरा डिब्बा ले आओ। हाँ सेठ जी लड़ुआ तो 100 ग्राम लेंगे हैं, पर तो डिब्बा बड़ा है। हैं तो ठीक है। सेठ जी मजा आ रहा सेठ जी। बोल बोल क्या हुआ सेठ जी? बात ही कच्ची ऐसी है अब तो नहीं। अरे वो कहाँ गया? सेठ जी
मेरा आवाज सेठ जी। अरे क्या होगा? अरे सेठ जी दादी कटू ऐसी है। अरे कैसी है? अरे सेठ जी पूछो नहीं। क्या होगा सेठ जी? हाँ सेठ जी। अरे वो कहाँ गया? अरे बोल तो। सेठ जी आराम से बेटा आराम। सेठ जी शेटानी से जो मोड़ा फोटो बोल तो का होगा। सेठ जी अब बता। सेठ जी शेटानी से जो मोड़ा फोटो वो मर जाओ। मर जाओ उतने हजरो कायरे हे हैं। अरे मुनी मर जाए। अरे तेरी भंगी की कायरे कके मर गया। अरे मर अरे ते कछु नहीं अरे मर गया। अरे शेर जी को मोड़ा मरा गया तो ठेटोली चल रही है। अरे इसे लिया। अरे इसे लिया। अरे अरे इसे लिया। शेर जी हमें सार मार रहा है। हट ये तो मारो ठीक है जानो ले एक रोटी हो ले एक ले नहीं ले ले तो साग ले 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 थोड़ा बीमा तेरे तो ले का छु बस अम्मा एक रोटी ले ले बेटा बस अम्मा बेटा भीमा हम जो सोच रहे कि ढर को लेकी बहू आ जाती तो अच्छो रहे तो कह तो ठीक रही अम्मा काल ही जाए भेजे दे बहू खलो आवे का ढर कोला सुन रहे ढड़कोला काल भुन सारे जल्दी उठ जाइए। अम्मा अब हम सो जाए। अब हैं सो जाए। अम्मा लोरी नहीं सुना रही। देख बेटा ढड़कोला अब से बड़ा होगा एक समझदारी से काम करे कर बड़े भैया के काम में हाथ बटा। काल तो तू ससुराल भी जाने उते ऐसे भैरा के न खाइये तब तक तो उसे कोई तीन बेर ना पूछ ले खावे की खाइयो ना समझो। राम राम।
कवे आए अब यार आए हमें तेल लेते कोई काहे मजाक कर रहे जीजाजी हम का मजाक कर रहे जो बताओ घर में सब और ठीक है भाई की कृपा है जीजाजी और तुम्हारे बापू मजे में है आप ही चल के देख लो हो चलो चला हो पकड़ो चले हाँ जीजाजू जीजाजू रुक जा जीजाजू हाँ चलो जीजा चले हाँ जीजाजू हम घर पड़े जीजाजू रुक जाओ जीजाजू जीजाजू रुक जाओ घर पड़े रुक जा जीजाजू पकड़ ले लो लो जी आज लस्सी पी लो कारे संटी भैया अबई पियो और अबई काट दो चल मित्र कपड़ा बदल के तबरा की चल करके धर दा काय खिलाने अब चलो तो तुम फिर हम जा रहे
ए को कछु बोलो ना। पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम बोलो। हम का बोले? कछु भी बोलो। हमें तो कछु आते ही नहीं है। चंपा तो कह रहे थे कि रीजा गाना बहुत अच्छा लगा। वो तो हम झांसी गए थे हाँ। उते हमने एक गाना सुनो तो वही सुना दो। सुनाए? हाँ सुना। नहीं पहले तुम सुनाओ। नहीं पहले तुम सुनाओ। तो हम जा रहे हैं। पहले हम सुना दे रहे फिर तुम सुनाइए। हैं? आओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अच्छा है हो। हमने सुना दो अब तुम सुना। हम सुनाए हाँ? तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बापू बापू जग गए। ओ बापू अरे क्या कर रहे हो ना पैरे बापू? लगातार घर में चोर घुस रहा हो। बापू हम जगो बापू जगे करे तुम के तुम छे बजाओ तो मैं तो चुप रहा हूँ। बेटा दोबारा तो खोलो दोबारा खोलो। जैसे घर में चोर घुसिया हो। सही कह रहे जीजी, तुम्हारे कमरा में तो नहीं घुसिया हो चोर। बेटा ते अच्छी तरह देखिए चोर। और बेटा ते रोटा पानी तो खा लिया कर ली जरा। बापू जो देखो कहा हिल रहा हूँ। हाँ जो कछु हल तो रहा हूँ। बापू मुझे तो लगा था जेल में चोर है और जीजी को पता नहीं जा। हर तो तनक मैं देखा गई है। चंपा बोरा खोला तो चोर भाग जाए। अरे तेरे बोरा खोल तो संडी। अरे हमें ओ मताई रे मटर रे जी राजू हमें माफ करियो। तुम हते लाला जू हमें क्षमा करियो। आप हते मटर रे हमसे जो कछु गलती हो गई हो तो क्षमा करियो माफ करियो। राजू जिद्दी को लेकर जल्दी आइयो। और जल्दी आए भाजी। राजू एक बात पूछ है। आओ पूछो। रात के बोरा में क्या कर रहे थे? ये संटी का बापू
तनक जीजाजी को नदी तक छोड़िया। हाँ बापू। आओ जीजाजी बैठा। आ सची भैया चले। आज जी चलो चलो।